नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास खबर। बता दें कि धामपुर में इकड़ा नाले पर लोगों द्वारा अवैध निर्माण कर कई स्थानों पर लोगों के रास्ते को भी अवरुद्ध कर दिया है, जबकि लोगों का कहना है कि तहसील प्रशासन से कई बार इस बारे में लिखित शिकायत की जा चुकी है, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। शिकायतकर्ता डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि उनके द्वारा टीचर कॉलोनी में जियो के ऑफिस वालों द्वारा इकड़े नाले पर पुल बना दिया है, जिससे बरसात में यह नाला ओवरफुल होने के कारण इसका पानी सड़क पर बहने लगता है और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस बिल्डिंग में जियो ऑफिस चल रहा है उसका रास्ता दूसरी तरफ डॉक्टर सूर्या की तरफ से है और वहां पर इनका एक बड़ा चैनल भी लगाया हुआ है। आपको बता दें कि 3 बार आदेश होने के बाद और लेखपाल द्वारा जियो कंपनी को नोटिस देने के बाद भी इस अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा गया है, जबकि इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर भी की जा चुकी है। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एपी चौहान, अजय पाल सिंह। डॉक्टर साहब, ये जो इकड़ा नाले पे पुल को लेकर आपके द्वारा शिकायत की गई है जी, क्या मामला है ये? जी सर, इससे क्या होता है कि जब अधिक बारिश होती है तो एक तो जो है पानी की निकासी अवरुद्ध होती है, दूसरी चीज ये है कि हमारा गेट प्रभावित होता है, इससे जो है दूर दूर के वाहन आते हैं और वो खड़े रहते हैं, जिससे हमारे मरीजों को और हमें निकलने में दिक्कत होती है। जबकि इसका रास्ता उत्तर की तरफ है और बैनामे में भी उत्तर की तरफ ही दर्शाया गया है। तहसील की तरफ से इसे हटाने के लिए 3-4 नोटिस भी दिए गए हैं, परंतु आज तक ये जो है नहीं हटा है। आपके द्वारा कहां कहां पर शिकायत की गई इसकी? इसकी हमारे द्वारा और प्रधान जी जो ग्राम प्रधान हैं राधिया जी, उनकी मोहर भी है तो और मोहल्ले वालों के साइन भी है, वो जो है तहसील दिवस और जो है योगी पोर्टल और जो है रजिस्ट्री के द्वारा भी इसकी शिकायत की गई है, जो हमने एसडीएम तहसीलदार को की है, परंतु नोटिस भी बहुत दिए गए हैं इसको हटाने के लिए, कई बार न्यूज़पेपर में भी निकल चुका है, परंतु ये अवैध अतिक्रमण हट नहीं रहा है। क्या पहले इस तरफ को रास्ता था इनका? जी नहीं, इनका रास्ता जो है उत्तर की साइड, ये अभी बनाया है इन लोगों ने। हाँ, कुछ वर्षों पहले। आपको इससे क्या दिक्कत है? हमें ये दिक्कत है कि इससे जो है हमारा गेट प्रभावित हो रहा है और जैसे अधिक बारिश होती है तो वो पानी जो हमारे मकान से टकराता है और हमारे मकान को क्षति पहुंचाता है, और जो है कभी कभी ये पानी जो है रोड पे आने से रोड को भी क्षति होती है, जिससे आने जाने वालों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और इस पुल में पानी इकट्ठे होने से बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। अब क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि इसको अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया जाए, जैसे कि नोटिस और जो है कई बार न्यूज़पेपर में दर्शाया गया।